बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना। अक्षय कुमार की गोरखा फिल्म को किया गया पोस्टपोन। अब ये फिल्म मिड 2023 में आएगी फ्लोर पर। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी कहलाने वाले अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है जो कोई भी रोल को आसानी से प्ले करते हैं और इसीलिए साल में 4 से 5 फिल्में तो कर ही देते हैं। त्रिमूर्ति खान के बाद अगर बॉलीवुड में किसी और ने अपना नाम जमाया है तो वो है अक्षय कुमार। और अब वो एक और फिल्म गोरखा में दिखाई देंगे। इस फिल्म में वो एक सैनिक का किरदार अदा करेंगे और वो किरदार है मेजर जनरल लैन कार्डोजो का। बता दें कि ये फिल्म इसी साल के 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म के रिलीज को लेकर एक ऐसी खबरें आ रही है कि इस फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म 13 अगस्त 2022 को रिलीज नहीं की जाएगी, बल्कि ये फिल्म मिड ऑफ 2023 में फ्लोर पर जाएगी। आप सभी को तो पता ही है कि इस फिल्म के साथ साथ 2023 में और भी कई फिल्में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा देखकर अब लग रहा है कि 2023 में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के बीच एक जबरदस्त कॉम्पिटिशन होगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म और कौन सा एक्टर बाजी मारता है। अब बात करें फिल्म गोरखा की, तो इस फिल्म का डायरेक्शन संजय पूरण सिंह चौहान कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ राज विश्वकर्मा भी है। आपको बता दें कि फिल्म से जुड़ी कई खबरें आना अभी बाकी है, पर फिर भी लोगों में इस फिल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है। ये एक देशभक्ति की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और जो लोग ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दादा पीछे हो जाना। अरे दादा अक्षय जी, अक्षय जी।